आखिरकार एक महीने बाद सिलीगुड़ी का स्टोनमैन पकड़ा गया है, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। प्रधान नगर थाने के पुलिस ने आखिरकार स्टोनमैन के रहस्य से पर्दा उठा लिया है। एक महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कमला पंडित को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिलीगुड़ी नगर निगम के एक नंबर वार्ड के राजेंद्र नगर कॉलोनी का निवासी है। वो इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्टोनमैन कमला पंडित को पूछताछ के लिए 2 दिन पहले ही हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उसने कबूल किया कि गत 5 अक्टूबर को एक व्यक्ति से 2600 रुपए छिनताई करने के बाद उसकी पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस विषय में डीसीपी कुंवर भूषण सिंह ने बताया कि एक महीने पहले सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके से एक अज्ञात व्यक्ति का पत्थर से कुचला शव बरामद हुआ था। इसी मामले में स्टोनमैन माने जाने वाले कमला पंडित नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक पर आईपीसी धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक को आज अदालत में पेश करने के बाद 10 दिनों की रिमांड पर लेने की मांग की गई है। एक अक्यूज अरेस्ट हुआ है उस केस में। जी सर। और क्या कहते हैं कि वो एविडेंस हमको सफिशियंट मिले हैं टू मतलब मान कि उससे कंफर्म होता है कि यही मेन अक्यूज्ड भी था, उसने एक्सेप्ट भी किया है और वो जो पैसा वैसा लिया था उससे उसने जो सामान खरीदा है सब भी हुआ है। सर तो वो कबूल किया है? हाँ वो बोल रहा है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है। तो सर उसके स्नैचिंग करने गया था तो उस समय उसके हाथापाई हुई है एंड देन ही किल्ड। तो सर उसने ये सर उसके साथ और कोई नहीं, अभी तो उसी को किया गया, बाकी रिमांड में लेके आते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। कितने दिनों का रिमांड सर? 10 दिन का प्रेयर किए हैं, देखते हैं कितना दिन मिलता है। ओके। गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके से पत्थर से कुचला हुआ एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। घटना के बाद से ही मृतक व आरोपी की लगातार पहचान तलाशी की जा रही थी। घटना स्थल से पुलिस ने उस पत्थर को भी बरामद किया था जिससे उस व्यक्ति की हत्या की गई थी। इस बीच पुलिस ने घटना स्थल के पास आर्मी कैंप में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिससे आरोपी स्टोनमैन की पहचान हो पाई।